बेगूसराय जिले के रामपुर गांव निवासी गोपाल चौधरी का 20 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार की हत्या सोमवार को बेगूसराय के हेमरा मोहल्ले में अपराधियों के द्वारा गोली मारकर कर दी गई। हत्या के बाद गांव में सूचना मिलते ही कोहराम मच गया, परिवार में मातम छा गया। वही माता रानी कुमारी समेत परिवार के अन्य लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सूत्रों के मुताबिक अपराधी और मृतक में मोबाइल पर गाली गलौज भी किया गया है, पर सामने अपराधी और मृतक के भी मामा भांजे का रिश्ता दूर का बताया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, तो वही मृतक के पिता ने जानकारी देते हुए पत्रकारों से बातचीत की है। बीटी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से हमकान सिंह की रिपोर्ट। हम पहुंचे घटना स्थल पर, देखे गोली लगा हुआ है, बॉडी रेड है। उसके बाद न हम मारने वाला को पहचानते हैं, हमने पहचानते हैं, हमारे पहचानते हैं, हम नहीं पहचानते हैं, हम कैसे कहते हैं हम पहचानते हैं सर, मरने वाला को हमने पहचानते हैं। अच्छा, बताया जाता है कि मामू भांजा का रिश्ता था। हाँ, डेरा मालिक के द्वारा बताया गया है। किसके द्वारा? डेरा मालिक के द्वारा बताया गया है। क्या? जो मामू भांजा था। अच्छा, जो मारने वाला है वो भांजा था। हाँ। कहाँ का था ये, इसके बारे में कुछ? भासारा का। क्या नाम था? इसका नाम नीतीश कुमार बताया गया है। ये अच्छा, कितने संख्या में था? चार संख्या में।